यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर टोहाना से आ रही है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी पकड़ी है। सीआईए स्टाफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर टोहाना से आपको दे रहे हैं, जहां पर शराब की भट्टी पुलिस की ओर से पकड़ी गई है। सीआईए स्टाफ के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों से सैकड़ों लीटर लाहन और शराब बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आरोपियों को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों को कर लिया गया है। अवैध शराब इनके पास से बरामद की गई। टोहाना से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खबरें अभी तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आपको बता दें कि आरोपियों से सैकड़ों लीटर लाहन और शराब भी बरामद की गई। पुलिस ने शराब की भट्टी पकड़ी है। तो देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से। देर रात गिरफ्तारी करने के बाद अब पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी यहां पर पकड़ी है, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी देर रात पुलिस ने कर लिया है। सीआईए स्टाफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवल सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं टोहाना से। नवल सिंह, बड़ी कामयाबी यहां पर सीआईए स्टाफ के हाथ लगी है, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, सीआई स्टाफ ने एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। सीआई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव लोहा खेड़ा से लगभग 800 लीटर लाहन, 28 बोतल शराब सहित 3 लोगों को काबू कर लिया है जी। और इसके तहत उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और वो इसके ऊपर जांच कर रहे हैं, अग्रिम जांच कर रहे हैं कि और इसमें क्या क्या इनकी सप्लाई हो सकती है और किस किस गाँव में, अलग अलग गाँव के अंदर इस तरह की शराब निकाली जा सकती है। तो जैसा की इनको सूचना मिली थी की गाँव में इस तरह से अवैध रूप से शराब निकाली जा रही है, तो पुलिस ने अपनी गुप्त सूचना के आधार पर अपने सूत्रों के साथ में वहां पर दबिश दी और दबिश के दौरान उनको ये सारा मौके से बरामद हुआ, जिसके बाद उनकी कार्रवाई की जा रही है और 3 आरोपियों को पकड़कर मामले की जांच। जी बिल्कुल नवल सिंह, अभी तक जो जांच हुई है पुलिस की ओर से, जो जांच की गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कितने लोग गिरोह में शामिल थे और कहां-कहां सप्लाई इनकी ओर से शराब की जाती थी? जी पुलिस की जांच में सामने आया की लोहा खेड़ा का निवासी है मंजीत कुमार, मंजीत कुमार इस तरह के इस कार्य में लिप्त था और पुलिस ने उसके पास से 200 लीटर नाहन और 300 लीटर नाहन के कुलवंत से अलग से बरामद की गई है। यानी 200, 300 और 250, 3 अलग अलग मात्राओं में शराब बरामद की गई है। कुल मिलाकर 800 लीटर नाहन जो है बरामद किया गया और इसके एतराज लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय से काम चल रहा था और आसपास के गांव में भी इस तरह का कोई काम चल रहा है, तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करने का मन बना रही है। चलिए, तो 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई उन पर पुलिस की ओर से की जा रही है, साथ ही उनसे बातचीत में, पूछताछ में अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, पूछताछ पुलिस अभी कर रही है। पुलिस ने 3 लोगों को काबू किया और 3 के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया और उनसे जांच अभी की जा रही है। पुलिस कह रही है कि जैसे भी जांच में जो सामने आएगा उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो टोहाना से हमारे संवाददाता नवल सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि मामले की पूरी जांच अभी की जा रही है और साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग इस गिरोह में शामिल थे और कहां-कहां सप्लाई इन लोगों की तरफ से की जाती थी शराब की।